व्यूअर्स, मैं सुदीप आपको अपना चैनल सुदीप होममेड कुकिंग में स्वागत करता हूँ। और आज हम बनाने वाले हैं डालिया से खिचड़ी। कढ़ाई गर्म हो गया है और इसमें हमने घी डाला है और अभी सब डालिया को डालने वाले हैं। फ्राई हो गया है, 2-3 मिनट तक किया है और इसका कलर थोड़ा चेंज हुआ है। और अभी हम इसमें प्रेशर कुकर में डाल के मूंग दाल के साथ ऐड कर डालिया को कुकर में डाल रहे हैं। और अभी मूंग दाल मिलाएंगे, मूंग दाल को धो के दोनों मूंग दाल और चावल या फिर डालिया सेम क्वांटिटी का होना चाहिए। और हमने पानी ऐड कर दिया है करीब 2 ग्लास और 2 चम्मच नमक भी ऐड कर दिया है। और अभी थोड़ा हल्दी ऐड करेंगे। अभी थोड़ा 1 चम्मच जीरा भी दे रहे हैं या 2 चम्मच। आधा ऐसे कद्दूकस करके दे देंगे और थोड़ा सा तेज पत्ता दे रहे हैं। और कुछ और पानी मिला देंगे और प्रेशर कुकर में अभी बैठा दिया है और करीब 2 या 3 व्हिसल तक ये के बाद उतार देंगे। खिचड़ी को उतार लिया था और अभी थोड़ा ड्राई है, इससे थोड़ा सा गर्म पानी और ऐड कर रहे हैं इसमें। के लिए तड़का बना रहे हैं, तेल डाल दिया है और अभी सूखी मिर्च और थोड़ा 5 फोरन दे रहे हैं। हम लोग खिचड़ी में डाल रहे हैं और थोड़ा सा इसको खाते को घुमा देंगे, हर तरफ खिचड़ी का हर तरफ लग जाए। और ये सब प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हमारा खिचड़ी ऑलरेडी बन चुका है और मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद प्रेजेंट करता हूँ। हमारा डालिया खिचड़ी बन के रेडी है और हमने इसे प्लेट में सजा दिया है, साथ में गंधराज लेबू, थोड़ा सा लाबड़ा और पापड़ के साथ और हरी मिर्च के साथ। तो आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे, रेसिपी अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू व्यूअर्स।